सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय स्टाफ एवं एनसीसी व एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा योग आसन प्राणायाम एवं सूर्य नमस्कार द्वारा विधिवत योग दिवस मनाया गया। महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी अधिकारी डॉक्टर हरीश गुजराती ने बताया कि योग का संबंध शरीर मन और आत्मा से है। दैनिक जीवन में शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक उत्थान के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। स्वयंसेवकों को योग का प्रशिक्षण देने के लिए योग प्रशिक्षक बलजीत कौर के अनुदेशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भाटी, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्तु, डॉक्टर गिरीश चौधरी, डॉक्टर धीरज पारिक, डॉक्टर उमेश दत्त, डॉक्टर रामस्वरूप भांभी, डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ 100 से अधिक एनएसएस एनसीसी कैडेट्स ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री डॉक्टर एस के बिस्तु ने सभी प्रतिभागियों को सूर्य नमस्कार का चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया और सूर्य नमस्कार के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ साथ सूर्य नमस्कार भी करवाया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र साध ने सभी का अभिवादन किया और दैनिक जीवन में योग को अपनाने पर बल दिया।